हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। एंड आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं एंड किस तरह से मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। मैं कोई भी मिसलर वाटर नहीं यूज करती हूँ और मैंने आज तक कोई भी मिसलर वाटर खरीदी भी नहीं है। सीरियसली, मैंने अभी तक कोई भी मिसलर वाटर नहीं खरीदा है बिकॉज मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, इन बाद में जब आई थिंक जब मैं बहुत ज्यादा प्रो हो जाऊंगी, जब बहुत ज्यादा मुझे अच्छे से सारी चीजें आने लगेंगी, तब मैं खरीदूंगी। बिकॉज आई एम नॉट स्टिल एट और लाइक मुझे तो नहीं लगता है, अभी तक मुझे जितना बहुत आता है उतना मैं करती हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टेप्स। बहुत ईजी है, हर कोई तो प्रो नहीं हो सकता है, हर कोई तो लाइक सारी चीजें मेकअप की जैसे नहीं कर सकता है। तो ओके, सो जो लोग जनरली मेकअप करते हैं एंड बाद में उसको रिमूव करना नहीं जानते हैं एंड जो रिमूव नहीं करते हैं उनको इस तरह से पिंपल्स हो जाते हैं। बिकॉज लास्ट टू डेज मैंने जो और आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ अवॉइड करना बिकॉज काम चल रहा है। सो मैंने हर कोई जगह पे ना, जैसे लॉकडाउन ख़त्म ही होने आया है ना, तो सारे काम शुरू हो गए एंड इट्स वेरी लाइक वेरी इरिटेटिंग। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, बहुत गुदगुली कर रहा है मुझे। ओके, सो हाँ, तो रिमूव करते हैं अपना मेकअप। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अगर अच्छे लगते हैं तो ओके, नहीं लगते हैं तो बताइए मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। यार ये क्यों मुझे गुदगुली कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है एल्प्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोनर। यस, टोनर लिया है मैंने। एंड आप देख सकते हैं मैंने ये गंदी सी आंखें बना के रखी हुई, तो इस काइंड मैंने फंकी मेकअप लुक क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। तो फंकी ट्रेडिशनल मेकअप लुक करके ऐसे कुछ तो भी किया था। सो मैंने सोचा था कि लिपस्टिक के साथ एंड काजल के साथ मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी एंड नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, कुछ भी नहीं। इस काइंड ऑफ मेकअप, फंकी मेकअप लुक क्रिएट किया था। तो आई नो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज मुझे ही नहीं आया है, कितना अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने ये ऐसे ही किया है। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि हाँ बाबा बहुत ऐसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको अपने लगाने से पहले यहाँ के बंद कर रही हूँ। ओके, बहुत सारा लगा लीजिए अपने फेस पे। एंड ये आप अगर फ्रिज में रखोगे एंड फ्रिज में रखने के बाद इसको अपने फेस पे, बहुत ही लग रही ना, आपको लगेगा डर के भाग जाओगे, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो लेट्स रिमूव द आई वन फर्स्ट। तो ये देखिए, यहा हो गया, देखिए टोटली रिमूव हो जाता है। एंड सीरियसली, मैंने अब तक नहीं खरीदा है एंड मैं आई डोंट नो इन फ्यूचर खरीदूँ नहीं खरीदूँ, क्यों यार पैसे बर्बाद करने यार। पैसे, एक तो लॉकडाउन में एक तो काम नहीं चल रहे हैं, काम पेमेंट्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है एंड क्या पैसे खर्च करें यार। ये हॉल वो हॉल देखने में मज़ा तो आता है बट पैसे खर्च करने के टाइम पर ना चलता है। क्या करें, देखिए फुल मेकअप इसके ऊपर आ गया है, कोई भी आपको तकलीफ नहीं है। एंड अगर आपने ये मेकअप लुक नहीं देखा होगा तो इसके बाद आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज इसी तरह के वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, अच्छे अच्छे भी बनाती हूँ यार, ऐसे बुरे नहीं बनाती हूँ, अच्छे भी बनाती हूँ। तो जाके चेक करो चैनल पर, वो आई से अच्छा तो ऐसी लग रही हूँ मैं। ओके, तो चेक ज़रूर कीजिएगा किस तरह से पागलपंती से मैंने अपना वो बनाया था। यस, अभी ये बहुत गंदा हो चुका है, मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। एंड वंस अगेन आई विल स्प्रे। ओके, तो एक लेयर निकल चुकी है, बहुत सारी लेयर्स लगाई ही नहीं थी मैंने वैसे भी, बट जितना कुछ लगाया था उतना एक इसमें निकल चुका है। अब मैं पहले पूरा फेस का निकाल लेती हूँ एंड लास्ट में निकालूंगी लिपस्टिक। आप देख सकते हैं इसके ऊपर सब कुछ आ रहा है एंड इतनी आसानी से निकल जाता है। एंड एक्चुअली टोनर हमें लगाना चाहिए अपने फेस पे, बिकॉज टोनर जो है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है। बहुत सारे लोगों को टोनर के फायदे नहीं पता है, तो लेट्स सी इफ आई मेक अ वीडियो ऑन दैट कि टोनर क्यों लगाया जाता है एंड टोनर लगाने के एक्चुअली में फ़ायदे क्या हैं। तो टोनर के फायदे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कहाँ गई बोतल? तो क्यों लगाते हैं हम लोग टोनर एंड टोनर क्या रोल प्ले करता है मेकअप में, मेकअप के बाद,
मैं ज़्यादा नहीं स्प्रे कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा थोड़ा ही स्प्रे कर रहा हूँ। आप बोलोगे इतना सारा वेस्ट क्यों करना, नहीं मैं बहुत कम स्प्रे कर रही हूँ। एंड आपको वैसे भी फेस वॉश तो करना ही है, तो ज़्यादा नहीं स्प्रे कर रही हूँ। देखिए सब कुछ निकल के आ जाता है इसके ऊपर। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। And for your all kind information, for everyone over there, this was a matte lipstick जो रगड़ने के बाद भी नहीं निकलती है, but देखा इस तरीके से आसानी से निकल गई। देखा कितना आसान था, बहुत ही ज़्यादा easy था। एंड छोटे 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 कॉटन्स लेके मैंने लगाया। एंड आप अगर कॉटन पैड्स लेंगे तो दो कॉटन पैड में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करना, जिससे क्या होगा आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।